कचरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कचरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कचरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलिंग दीवास। सो आज मैं आप लोग के साथ ये वाला मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। ये वाला मेकअप लुक आप किसी भी फंक्शन में क्रिएट कर सकते हैं। अभी करवा चौथ आ रहा है तो आप इसे करवा चौथ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये लुक अच्छा लग रहा हो। सो फटाफट से देखते हैं हमने ये लुक कैसे क्रिएट किया है। सो सबसे पहले मैं अपना DIY टोनर ले रही हूँ और अच्छे तरीके से अपने पूरे फेस पर स्प्रे करूँगी और अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब होने दूंगी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ आमंड एंड हनी मॉइस्चराइज़र क्रीम। अच्छी तरीके से अपने पूरे फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई करूँगी और अच्छी तरीके से मसाज करूँगी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ पतंजलि का एलोवेरा जेल एज अ प्राइमर। मैं अच्छी तरीके से अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी और अच्छी तरीके से मसाज कर लूँगी ताकि ये मेरे पूरे फेस पे अब्जॉर्ब हो जाए। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का फाउंडेशन। इसमें मेरा शेड है नेचुरल और इसे मैं अपने हैंड्स पे ले लूँगी और अपने पूरे फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई करूँगी और एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, काफ़ी अच्छी कवरेज देता है और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो मैं अच्छी तरीके से अप्लाई कर लूँगी और ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ADS का कंसीलर, शेड है 1 एंड इसके एक साइड में पैनस्टिक और एक साइड में लिक्विड कंसीलर आता है। सो मैं पैनस्टिक वाला साइड लेकर अपने अंडर आइज़ पे, फोरहेड पे, नोज़ पे एंड अपने लिप्स के अराउंड अप्लाई करूँगी और सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। काफ़ी अच्छी कवरेज देता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये कंसीलर। अब मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट पाउडर, शेड है स्किन और अच्छी तरीके से अपने पूरे फेस पे, नेक पे अच्छी तरीके से अप्लाई कर लूँगी। काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट है, काफ़ी अच्छे से सेट कर देता है आपके बेस को। सो मैं अच्छी तरीके से अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मिस कोल्ड का मिनी आई शेडो पैलेट। इसमें से ये ब्लैक कलर लेकर मैं अपनी आईब्रो बनाऊँगी। अच्छी तरीके से मैं अपनी आईब्रो को बना लूँगी। उसके बाद एक स्पूली की हेल्प से मैं अच्छी तरीके से अपने आईब्रो को कॉम कर लूँगी ताकि जितना भी पाउडर है वो इवनली स्प्रेड हो जाए मेरी आईब्रोज़ पर। अब मैं यूज़ कर रही हूँ एक्सप्रेस मैकडुआ कंसीलर, शेड है 02 नेचुरल और इससे मैं अच्छी तरीके से अपनी आईब्रो को क्लीन कर लूँगी और शेप दे दूँगी। अच्छी तरीके से क्लीन करूँगी और इस सेम कंसीलर को अपने आईलिड्स पे भी अप्लाई कर लूँगी। काफ़ी अच्छा कंसीलर है, काफ़ी अच्छी कवरेज दे देता है, मुझे कंसीलर भी काफ़ी अच्छा लगा। अच्छी तरीके से अप्लाई कर ले रही हूँ मैं। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ मैं इसे ताकि कोई पैचिनेस ना लगे। अब मैं यूज़ कर रही हूँ सेम कॉम्पैक्ट और अच्छी तरीके से अपने आईलिड्स को सेट कर रही हूँ। अब मैं सेम मिस गोल्ड की आई शेडो पैलेट ले रही हूँ। इसमें से ये पिंक कलर लेकर मैं अपनी क्रीज पे अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। सो मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी। आपने ब्लेंडिंग अच्छे से कर दी, अगर आप ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं करेंगे तो आपका आई लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ब्लेंडिंग आपने अच्छे से करनी है जिससे आपका आई लुक बहुत ही अच्छा लुक दे। तो मैं अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग कर रही हूँ। और हाँ, आप थोड़ा थोड़ा कलर लेकर ही ब्लेंड करें, एक बार में बहुत ज़्यादा कलर ना ले। सो आप थोड़ा थोड़ा कलर लेकर करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा लुक देगा। उसके बाद मैं ले रही हूँ गोल्ड शिमर पाउडर और इससे मैं एक ब्रश की हेल्प से अपने आईलिड्स पे अप्लाई कर लूँगी। अब मैं सेम पिंक कलर लेकर अपने आई शेडो को थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी ताकि जो गोल्ड कलर है एंड पिंक कलर है वो अलग अलग ना लगे। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का आईलाइनर और इससे मैं एक थिक सा विंग आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा है ये आईलाइनर।
मैं अच्छी तरीके से अप्लाई कर लूँगी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ एडीएस का काजल और इसे मैं अपने लोअर वाटर लाइन पर अप्लाई करूँगी। काफ़ी अच्छा ब्लैक कलर का काजल है, सो मैं इसे अच्छी तरीके से अप्लाई करूँगी। उसके बाद सेम पैलेट से पिंक कलर लेकर स्मच कर दूँगी। अब मैं इन कलर का मस्कारा ले रही हूँ और इसे मैं अपने लोअर लैश एंड अपर लैश पे अप्लाई करूँगी। आज मैं कोई भी फॉल्सेस अप्लाई नहीं कर रही हूँ, काफ़ी सिंपल सा लुक है गाइज ये। अब मैं सेम पैलेट से ब्राउन कलर लेकर अपनी कॉन्टोरिंग कर लूँगी, अपने हॉरिज़ ऑफ द चीक्स पे, चिन पे और फोरहेड पे अच्छी तरीके से कॉन्टोरिंग कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी फोर कलर ब्लश पैलेट ले रही हूँ, इसमें से ये पिंक कलर लेकर अपना ब्लश कर लूँगी। काफ़ी अच्छा ब्लश पैलेट है, काफ़ी पिगमेंटेड है इसके कलर्स। अब मैं ले रही हूँ कलर लुक का हाइलाइटर, इसमें मेरा शेड है 03। इसमें से मैं सारे शेड लेकर अपने चिक्स पे, चिन पे, क्यूपिड बो पे, ब्रिज ऑफ द नोज पे, सेंटर ऑफ द फोरहेड पे अच्छी तरीके से अप्लाई करूँगी। एंड आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ग्लो देता है ये हाइलाइटर, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये हाइलाइटर। अब मैं किस ब्यूटी की मैट लिपस्टिक ले रही हूँ और इसमें मेरा शेड है 7। काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है, काफ़ी अच्छा शेड है ये, सो मैं अच्छी तरीके से अप्लाई कर लूँगी। एंड ये है मेरा फाइनल लुक गाइज। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड फैमिली के साथ। एंड बाय बाय।